दोस्तों, पांडे वेजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। बच्चों के लिए कुछ बनाया जाए नाश्ता, तो आइए बनाते हैं। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये चावल का आटा है, ये चीला बनाऊंगी मैं। ये चावल का आटा है, इसमें भी मैं नमक नहीं डाली हूँ। इसमें ये सब डाल के मैं चीला बनाऊंगी। गाजर, मूली, धनिया पत्ती और लहसुन किसा हुआ और अदरक, टमाटर। बच्चे वैसे खाना पसंद नहीं करते, मूली खाना नहीं पसंद करते, गाजर खाना नहीं पसंद करते, टमाटर खाना पसंद नहीं करते, तो मैं अपने यहाँ बच्चों को, हम लोग अपने यहाँ बच्चों को ये सब डाल के चीला बना के दे देते हैं, या कहीं कहीं खिलाने की कोशिश करते हैं, कहीं पर भी बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये चावल घोल के तैयार करके रखी हूँ, तो इसमें मिला लेते हैं सामग्री। नमक बाद में डालना चाहिए, नमक पहले से डाल के नहीं रखना चाहिए इसमें, नमक बाद में डालते हैं। ये नमक, ये धनिया पाउडर, ये पीसी मिर्च, थोड़ा पानी और डाल लेंगे, गाढ़ा हो गया है। निकाल के देखते हैं इसको। घी में बनाना हो तो घी में बना लीजिए, जिसको तेल में बनाना हो तेल में बना लीजिए। और अगर कहीं बच्चे ऐसा देख के खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए इसको पीस के भी डाल सकते हैं। आप अपने ग्रेवी बना के आप इसमें घोल में डाल सकते हैं, उसी से घोल सकते हैं आप चावल आटा को या बेसन को, जिसमें भी बनाना चाहें। चीला तैयार हो गया है, आइए इसको निकाल लेते हैं। दूसरा चीला फिर मैं तवे में डाल के दिखा रही हूँ आपको। या फिर आपको अगर ऐसा चीला नहीं बनाना है, तो एक दिन आप मूली का बनाइए और एक दिन लेके गाजर को बनाइए। एक एक दिन अलग अलग सामग्री डाल के आप चीला बना के और बच्चों को दीजिए खाने के लिए। ये चीला तैयार है, ये हमारे बच्चों का मनपसंद चीला है। ये आइए, किसी भी चटनी के साथ, दही के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ परोस दीजिए। बच्चों को खाएंगे ही खाएंगे, और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रकार का चीज़ बनाइए और बच्चों को खिलाइए। अगर यह वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और ऑल पे जाएँ। धन्यवाद।